आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक डिलारी स्थित तुमड़िया कला गांव पड़ा। लगभग 12,000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान हसीना है। 4,000 की कुल वोटर संख्या वाला यह गाँव बेहद ही अच्छे तरीके से विकसित स्तर पर भी दिखाई देता है। गाँव में आने वाले सभी तरीके के लाभ जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों को लाभ भी मुहैया कराया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में लगभग 242 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। वहीं गांव में प्रधान द्वारा पानी की सुविधा करने के लिए 30 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जबकि अभी भी गांव में लगभग 150 हैंडपंपों की मांग है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए 110 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवा दिए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि प्रधान द्वारा गांव में सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ शौचालयों का निर्माण करवाकर गांव को शौचमुक्त बनाने में भी अपनी हिस्सेदारी पेश की है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में नाले व नालियों का निर्माण भी किया गया है, जिससे गांव को स्वच्छता की ओर ले जाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को प्रधान द्वारा आवास भी आवंटित किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को खुले में न रहना पड़े। वहीं कैमरे के सामने आकर एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से प्रधान प्रतिनिधि ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में ट्यूबवेल, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बारात घर, पंचायत घर व नालों की मरम्मत, साथ ही साथ सौर ऊर्जा, कूड़ेदान की सफाई की व्यवस्था भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराई जाए, जिससे गांव में ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से दो चार न होना पड़े, साथ ही साथ गांव विकास की स्थिति में भी बेहतर स्तर पर नजर आए। मोहम्मद अफजल, जो भी हमारे गाँव में जो वित्त और राज्य वित्त से पैसा मिला है उसका हमने सदुपयोग किया है, जिससे कि हमने उससे 8 CC और टेल्स रोड बनवाए हैं, गांव की साफ सफाई का ध्यान रखा है और स्कूलों की मरम्मत कराई है, हैंडपम्पों की मरम्मत कराई है और जितना भी 2011 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास की सूची हमें मिली है उसका हमने सही ढंग से प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, जो इस लायक हैं प्रधानमंत्री आवास लायक उनकी सूची हमने आगे भी भेजी है और लोहिया आवास भी हमने बनवाए हैं और गरीबों का जो भी राशन कार्ड, जो भी सरकारी योजना मिली हुई है वो हम उनका सदुपयोग किया है, बिल्कुल सही ढंग से गरीब लोगों को ही पहुँचाया है। राशन कार्ड प्रत्येक गांव गरीब का है और हमें राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर नहीं आ पाते हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, जिससे कि अगर वहाँ पर डॉक्टर आएंगे तो गरीबों का भला होगा और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हमारी डिमांड है श्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी से कि वो हमारे गांव में अधिक से अधिक पैसा भेजें, जिससे कि सदुपयोग हो सके और गांव की साफ सफाई, रास्तों की व्यवस्था बनाई की जा सके। वहीं ग्रामीणों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। प्रधान द्वारा कार्य अच्छे से कराया जा रहा है लेकिन अभी भी सरकार द्वारा फंड नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल सी पड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फंड को दुरुस्त कराएं, जिससे प्रधान को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ग्रामीणों की सुविधा के लिए न करना पड़े। ये बहुत कीचड़ रहती थी इस रास्ते में, ये हमारे अफजल प्रधान जी ने ये रास्ता बनवाया और भी बहुत से रास्ते बनवाए, ये टैल का रास्ता बनवाया, काफ़ी गंदा रहता था ये। मेरा नाम नबी हसन है। गांव में बहुत जो है रास्ते वैसे थे हमारे यहाँ और शहरी रास्ते अफजल प्रधान जी ने रास्ते बढ़िया बनवाए हैं और गरीबों की देखभाल हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से सबके गरीबों के घर बनने हैं और बहुत बेहतरीन काम करा है। कोई भी रास्ता जो गारे में पहले इतने गारे में चलते थे वो रास्ते RCC के और टेल्स बिछ गई है।